ओके हेलो हम वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसपे हम लोग हमारी डिफ्रेक्शन यूनिट को आखिर को कंटिन्यू करते हैं ओके तो देखिए डिफ्रेक्शन के अंदर आज हम लोग पर्टिकुलरली न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन पे बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन पे मैं आपको ऑलरेडी दो लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर थर्ड देखिए आज के थर्ड लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर मैग्नेटिकली यूनिट सेल तो पहले हमको क्या करना है है टॉपिक टॉपिक समझना क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं टॉपिक पे तो पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ देन हम लोग थ्योरी पे डिस्कशन लेंगे तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है तो देखो टॉपिक आपको क्या बोल रहा है ना आपने क्या करना है कुछ ऐसे समझ जाती हूँ मैं आपको देखो आपको पता है आप डिफ्रेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं तो क्यों

आपका किस टाइप का है वो आपका फेरोमैग्नेटिक है एंटी फेरोमैग्नेटिक है आपको पता है ना मैग्नेटिक के बेसिस पे हम अपने क्रिस्टल को या फिर अपने बोल सकते हैं अपने मटेरियल को चार टाइप पर क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रॉन तो है, डिफ्रेक्शन है, है, से पता चलता है ओके अब ये चीज मैं आपको सेकंड लेक्चर पर बता चुकी हूँ वरना मैं आपको यहाँ फर्स्ट लेक्चर पे अगेन वो स्लाइड दिखाती बट ये वाली डिस्कशन जो हमने किया था स्कैटरिंग का ये हमने सेकेंड लेक्चर पर किया था ठीक है तो मैं आपको सिंपली इतना बोल सकता कि न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक का आ, का यूज करके हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तो क्या उसके मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसका मैग्नेटिकल स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं तो आपको टॉपिक यही बोल रहा है आपने क्या करना है एल्युसिडेट करना है क्या एल्युसिडेट करना है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिकली ऑर्डरड यूनिट सेल यानी कि यूनिट सेल मतलब यहां पे आपका क्या है पहले ये समझो ठीक है देखो यूनिट सेल का मतलब यहां पर को ये है कि आपको पता डिफ्रेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टल क्रिस्टल हमारा जो सैंपल है वो हमारा क्या है क्रिस्टल ओके बट क्रिस्टल का चल मतलब क्या है क्रिस्टल टर्म का हम हम लोग लोग पे पे यूज क्यों कर रहे हैं हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो सैंपल लेते वो कोई मिनरल हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ओके okay? तो अगर आपने देखा होगा आपने देखो क्लास ट्वेल्थ में सॉलिड स्टेट सबने पढ़ा है ठीक है में आ हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं FCC होता है BCC होता है SCC होता है हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं तो इस क्रिस्टल की जो बेसिक यूनिट होती है सबसे छोटी यूनिट यूनिट होती है है उसे आप बोलते हैं सेल ये ये तो आपको पता एक टाइप का क्या है यूनिट सेल है जब ऐसे ही नंबर ऑफ यूनिट सेल आपस में अरेंज हो जाएंगे सारी डायरेक्शन से थ्री डी में सारी डायरेक्शन में जब अरेंज हो जाएंगे तब हमको एक बड़ा सा क्रिस्टल ऑप्टेन होगा तो ये बोल रहा है आपके क्रिस्टल का सबसे छोटा जो पार्ट होता है यूनिट सेल अगर वो यूनिट सेल आपकी मैग्नेटिकली ओरियंटेडेड है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को

ये एक ऐसे स्कैटरिंग के बारे में बता रहा है जहां पर आप किसका इन्वॉल्वमेंट करते हैं न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो कब आप न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं जब आप न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन करवाते हैं तो ये बो रहे स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बोलो या फिर न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन बोलो बात सेम ही है तो ये बो रहे स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन क्या है ये एक टाइप का न्यूक्लियर फिनोमिना अभी ये एक टाइप का न्यूक्लियर फिनोमिना क्यों है क्योंकि देखो ये चीज मैं आपको सेकंड लेक्चर पर भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन कराते हैं तो न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन के केस में जो पेनिट्रेशन वाला पोर्शन होता है कि जो पोर्शन आपका पेनिट्रेट होता है

Where, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है न्यूट्रॉन पास थ्रू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड विद द फोर्स दैट इज इंटरसिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ इसका मतलब मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका ये ये कि कि बोल रहा है कि अब आप जब न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन कराते हैं तो जब आपकी न्यूट्रॉन की बीम आती है आपके क्रिस्टल पे जैसे आपकी न्यूट्रॉन की बीम पड़ती है तो वो क्या करती है तो ये बोल रहा है न्यूट्रॉन जो है वो पास होता है थ्रू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम यानी कि एटम के जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है उनसे वो पास होता है, और डायरेक्टली मतलब डायरेक्टलीट करना है विद की beam, तो मैंने आपको क्या बोला न्यूट्रॉन की बीम को जैसे आप अपने क्रिस्टल पे डालोगे तो आपका क्रिस्टल पेनिट्रेट नहीं होगा ना आपके क्रिस्टल में जो एटम प्रेजेंट है वो पेनिट्रेट होगा

फोर्स 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 ठीक है force, force, एक के साथ आपकी और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होता है यहाँ पे आपको बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियंस देखने को मिलती है बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियंस मतलब आपके न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट कर गए आप, आपस में बाइंड हो गए ये चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व

जो आपकी न्यूट्रॉन बीम है इसको एक नए एंगल के साथ बाहर की ओर स्कैटर्ड कर देगी तो वही चीज बोल रही है स्कैटर्ड बीम है ये जो आपकी स्कैटर्ड हुई हुई बीम है अगर आप इसकी इंटेंसिटी देखना चाहेंगे तो आप ये चीज बोल सकते हो कि आपकी स्केटर्ड वेव की जो आपकी स्केटर्ड वेव है इसकी जो इंटेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट है किस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्यों इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपका ये जो पूरा डिफ्रेक्शन फिनोमिना चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का रोल कब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन और एक्सरे डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं ठीक है न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी विथ विच द न्यूट्रॉन आर स्केटर्ड जो न्यूट्रॉन की बीम आपकी बाहर की और स्केटर्ड हो रही है अगर आप इसकी इंटेंसिटी मेजर करोगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? होगी इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा हो कम हो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन से ठीक है और साथ ही साथ नेबरिंग एलिमेंट नेबर में जो एलिमेंट है उससे भी इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है चीज कर लेंगे तो ये आपने जस्ट यहाँ पर को इंट्रोडक्शन में पुट किया ठीक है वो आगे क्या बोल रहा है? सुनेगा ये बोल रहा है जनरली ये बोल रहा है जनरली न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन इज टू द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम इन क्रिस्टल ठीक है तो ये बोल न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने पॉइंट पर आ गया ये बोल रहे न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं तो आप है? आपके क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका आप मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बोल रहे सो वी कैन से that table rest. so we can say that with the help of neutron diffraction.

इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ क्रिस्टल इसका मतलब क्या है जो आपको सेकंड लेक्चर पर बोली ये बोल रहा है की अगर देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ये बोल रहा है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है कुछ इस टाइप का यानी कि फेरो मैग्नेटिज्म उनका मैग्नेटिक मूवमेंट है तो होगा क्या फेरो मैग्नेटिज्म केस में जो आपकी डायरेक्शन होती है ये आपकी क्या होती है अलॉन्ग होती है मतलब ये ऑर्डर्ड वे में होते हैं ठीक है थीके? ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं ऑर्डर्ड वे में होते हैं तो ऑर्डर्ड वे में सारे एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट होने की वजह से इनके इन एटम इन के न्यूक्लियाई पर जब आपकी न्यूट्रॉन बीम पड़ेगी और न्यूट्रॉन बीम जब आपकी बाहर की होगी तो ये भी क्या एक ऑर्डर्ड वे में होगी क्योंकि यहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपकी ऑर्डर्ड है तो अगर हमको ऑर्डर्ड स्केटोर्ड बीम मिलती है तो इसकी वजह से हम ये प्रिडिक कर लेते हैं कि हमारा जो आपका मटीरियल है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा ऑर्डर्ड होगा यानी कि इसका मैग्नेटिज्म मैग्नेटिका ऑर्डर्ड होगा और ऑर्डर्ड होगा इट मीन हम समझ जाएंगे कि

पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड है तो इस तरीके से हम लोग क्या है

लिया और इसमें न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन कराया तो आफ्टर न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन हमको ये पता चला कि एमएनओ क्रिस्टल एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है साथ ही साथ अगर आप इस क्रिस्टल के अंदर जो इसकी स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसे आप बोलते हैं यूनिट सेल अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बोल रहा है यह आपको यूनिट सेल एफसीसी टाइप की मिलेगी अब एफ का मतलब क्या हुआ देखिए ना आपने सॉलिड स्टेट में अलग अलग टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी बीसीसी सी सी एफ सी सी एफ सी सी ठीक है तो इसमें से ये बोल रहा है बीसीसी मतलब सॉरी एफ सी सी एफ सी सी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक्स यूनिट सेल ठीक है तो एफ सी सी केस में क्या होता है आपके यूनिट सेल में जो एटम्स है वो तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर कितने होते हैं एट कॉर्नर पे तो आपके एटम होंगे ही होंगे साथ ही साथ आपके सिक्स फेजेस कितनी होती है सिक्स पे भी आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे इनको मैं आपको कैसे शो करा सकती हूँ आप नीचे देखिए ये वाली इमेज देखिए ये दोनों इमेज तो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रही है बट इसको देखिए ये वाली जो इमेज है ये आपको क्या दिखा रहा है यूनिट सेल आपकी एफ टाइप की कैसे देखो ये दोनों आपकी दो अलग अलग टाइप की यूनिट है तो पहली यूनिट सेल मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये वाली जो है ये आपकी पहली यूनिट सेल है मैं इसको येलो कर देती हूँ ये जो यूनिट सेल है यूनिट सेल मतलब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ठीक है तो ये आपकी जो ये जो, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपकी एक यूनिट सेल है ये पीछे वाली दूसरी यूनिट सेल है जब आप इनको कंबाइन करते जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल को तो आपको क्या है एक पूरा क्रिस्टल यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा ये आपकी क्या है दूसरी यूनिट सेल है ठीक है तो इसको मैं इतने में छोड़ देती हूँ अब देखो हमने क्या बोला ये यू यूनिट सेल की एम एन में ये आपकी एक टाइप की कैसी यूनिट सेल है यूनिटी टाइप की यूनिट सेल है ठीक है अब बात आती है कि एफ क्या है तो मैंने क्या बोला एफ के केस में आपको एट कॉर्नर पे तो एटम मिलेंगे साथ ही साथ सिक्स फेजेस पे भी एटम मिलेंगे कैसे मिलेंगे देखो मैं आपको गोल गोल करके दिखा देती हूँ देखो आप अपने कॉर्नर पे आइटम काउंट करो देखो एक कॉर्नर ये है और इसके दूसरा कॉर्नर ये है ठीक है अब देखो नीचे साइड चलो तीसरा कॉर्नर ये है चौथा कॉर्नर ये ठीक है यहां पे देखो पांचवा पा कॉर्नर ये, ये है छठा कॉर्नर ये है अब ऊपर जाओ सातवा कॉर्नर यह आठवा कॉर्नर यह तो देखो एट कॉर्नर आपको यहाँ पर को मिल गए तो एट कॉर्नर पे आपके एटम्स प्रेजेंट है ये हो गया ठीक है अब देखो सिक्स फेजेस में भी आपके एटम्स प्रेजेंट है ठीक है तो सिक्स फेज क्या हो गए एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया छठा ये हो गया तो सिक्स फेजेस में भी आपके एटम प्रेजेंट है अब आप इसके सेंटर पे देख रहे हो ये भी कुछ चीज है ठीक है तो ये कहां से आया ये जो है ये आपके दूसरा जो यूनिट सेल है उसका एंड है ठीक है तो एक एंड ये है एक एंड ये है तो दो एंड हो इसका छठा ये इसका सातवा इसका, 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 इसका आठवा यानी कि ये कॉर्नर इसके हैं, और इसके अंदर फेज आपको ये देखने को मिल रहा है ठीक है तो हमने देख लिया कि आपके ये एमएनओ क्रिस्टल के अंदर कॉर्नर पे एट एटम प्रेजेंट है और सेंटर पे फेस पे क्या है सिक्स एटम प्रेजेंट है जिस वजह से हम इसे

द कपलिंग बिटवीन द स्पिन ऑफ MnN टू अ एक्साइटेड स्टेट वेयर द ऑक्सीजन आयन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट आयन ठीक है तो ये बोल रहा है MnO क्रिस्टल में एक्चुअल में होता क्या है एक कपलिंग होती है किसके बीच में कपलिंग होती है स्पिन ऑफ MnN आपके जो MnN है उनकी स्पिन के बीच में कपलिंग होती है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन यहाँ पर को एज अ इंटरमीडिएट आयन की तरह एक्ट करता है ओके अगला पॉइंट क्या बोल रहा है ये बोल रहा है where the atom of MnO Mn, -Mn यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप ये MnO क्रिस्टल की बात करेंगे तो इस MnO क्रिस्टल के अंदर आपको Mn ऑक्सीजन Mn के बीच में क्या है के अंदर. तो ये जो बॉन्ड है वो एक टाइप का कोलिनियर बॉन्ड है तो ये बोल रहा है वेर द एटम एम एन ओ एम एन ये एक टाइप की क्या है कोलिनियर एटम है यानी कि आपस में क्या है डायरेक्टली लिंक है और यहाँ पे बोल सकती हूँ कि इनके बीच में जो ये कपलिंग हो रही है एम एन ऑक्सीजन एम एन के बीच में जो एम एन और एम एन के बीच में जो कपलिंग हो रही है कपलिंग बिटवीन टू एम एन ये क्या बहुत है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि दो एम एन आईन स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ क्या है है, इतना कर लेंगे अभी ये अपोजिट डायरेक्शन आर गिव राइज एंटी तो बता रहा है कि एंटी फैरोग्नेटिज्म में कैसे कन्वर्ट हो गया आपका एम एन एम एन ऑक्सीजन जो ये है आपका एम एन ओ क्रिस्टल जो है आपका ये आपका, आपका पैरामैग्नेटिक से एंटी एंटीफेग्नेटिज्म में कैसे कन्वर्ट हो गया तो इसका रीजन ये बता रहा है कि आपने देखा कि इस पूरे क्रिस्टल में आपके जो ये ऑक्सीजन आपकी कोलिनियर है और एम एन एम एन के बीच में एक टाइप की बॉन्डिंग है तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका एक आयन का जो मैग्नेटिक है जो आपके एक एम एन आयन या फिर आप बोल सकते हैं दोनों जो एडजेसेंट एम एन आयन है इनका जो मैग्नेटिक वैक्टर है ये किसके थ्रू सेपरेट है एक इंटोविनिंग आयन के बीच में एक के थ्रू क्या है सेपरेट है यानी कि दो एडजेसेंट एम एन एन किसके थ्रू सेपरेट है इंटरविनिंग एन के थ्रू सेपरेट है जिसकी वजह से क्या होता है इस इंटरविनिंग एन की वजह से इन दोनों

एम एन ऑक्सीजन एम एन लिंकेज होंगे जिसकी वजह से आपको पूरे क्रिस्टल में ऐसे एंटी ये जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने वाले मैग्नेटिक वेक्टर मिलेंगे जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिस्टल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर जो हो जाएगा एंटी फेरो मैग्नेटिज्म हो जाएगा तो वही चीज बताइए ठीक है नाउ क्या बोल रहा है जो आपकी ये इमेज है ये शो कर रही है कि आपका जो क्रिस्टल है एम एन ऑक्सीजन का ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का है तो कैसे है मैं आपको दिखा सकती हूँ ये देखो ये पूरा क्रिस्टल देख लो इस क्रिस्टल में आपको क्या देख को मिल रहा है आपके ये देखो ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये ऊपर की ओर दिख रहा है आपको ये देखो ये ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है ये वाला नीचे की ओर आते हुए ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर ठीक है ये ऊपर तो इसका नेक्स्ट वाला नीचे की ओर ये अगेन ऊपर की ओर तो यहाँ पे क्या हुआ अब ये आपके क्रॉस में है तो ये सबके सब ऊपर सब की ओर है क्रॉस सारे सबके सब ऊपर सब की ओर है ये लिंक जिनके बीच में है वो आपके ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखो इनके बीच में लिंक जो गए नीचे की ओर है ये ऊपर की ओर है नीचे की ओर है ठीक है अब ये सबके सबके आपस में क्रॉस में आ गए तो ये नीचे की ओर है तो ये पूरा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके जो एटम है वो आपके एंटी पैलर है जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि ये अब आपका पैरामैग्नेटिज्म से एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो गया आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे किया इसमें थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है, है? ठीक तो आपको जो बेटर लगे आप वो एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा प्रॉपर ये इमेज आप प्लीज एड कीजिएगा ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है

तो ये चीज बस आप कर देंगे तो आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या बताया कि एम क्रिस्टल इनिशियली क्या था पैरा था लेकिन हुआ क्या अगर आपने एम का देखो एमएन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इनिशियली जब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं था ये पैरा था लेकिन जैसे आपने इसे एफसी क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया एफसीसी क्रिस्टल में कन्वर्ट होने की वजह से क्या आपको यहाँ पर कोई लिंकेज देखने को मिली एमएन ऑक्सीजन एमएन के बीच में तो हुआ क्या जो दो एडज एमएन है इनके बीच में क्या इंटरविनिंग आयन आ गया जिसके

एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड यूनिट सेल के अंदर ओके तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, तो so, अभी इस लेक्चर को ये फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर तब तक तो के लिए बाय बाय